नमस्ते मित्रों, काफी कबार आप ये कमेंट के अंदर ये बात पूछते हैं कि सर रिवीजन कैसे करें, कब करें और कितनी बार करें। मेजोरिटी आपके साथ ही इंसिडेंस हुआ होगा। एग्जाम में जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऐसा लगता है कि इसका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन जैसे ही आप आंसर लिखने जा रहे हैं तब आपको ये महसूस होता है कि सर इसका एक पॉइंट अगर याद आ जाए ना तो पूरा आंसर मुझे पता है। ऐसा आपके साथ कभी कभार हुआ होगा। और जैसे एग्जाम हॉल के बाहर हम आते हैं और फ्रेंड के साथ जब चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तब हमें पता लगता है शिट यार इसका तो पूरा आंसर मुझे पता था लेकिन मुझे सही वक्त पे याद नहीं आ पाया। तो ये जो याद आने की जो प्रॉब्लम है वो रिविजन के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और आज का ये हमारा जो वीडियो ऐसे प्रॉब्लम और रिविजन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैं अशोक गुज्जर, इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड कंसल्टेंट, आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू पर रहे बेल बटन को आप क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे हर वक्त मोटिवेशन की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिविजन से जुड़ी बहुत ऐसी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये रिविजन का मतलब समझना चाहिए। रिविजन दो शब्द से बना एक शब्द है, री और विजन। री माने की पुनः और विजन माने की विजुअलाइजेशन। काफी कभार बच्चे रिविजन का मतलब ही नहीं समझते। जब रिविजन करने की बात होती है तब हम मेजोरिटी क्या करते हैं, किताब को फिर से खोल के उस चैप्टर को, उस टॉपिक को दोबारा हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपने किया क्या, फिर से पढ़ा तो फिर से मतलब पुनः री और आपने रीड किया, तो आप जो कर रहे हैं उसे तो री रीडिंग बोलते हैं। लेकिन करना क्या है, रिविजन। रिविजन माने पुनः विजुअलाइजेशन। तो ये सबसे पहले समझना जरूरी है। और मेजोरिटी हम जो कर रहे हैं वो री रीडिंग है, नहीं कि रिविजन। रिविजन कैसे करना है तो हम उसे भी देख लेते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत इजी है। कोई भी टॉपिक को आपने जब एक बार कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद आपको सिर्फ वो टॉपिक का टाइटल देखना है और टाइटल देखने के बाद आपको बुक बंद करके, आंख बंद करके उसे विजुलाइज करना है, उसे सोचना है कि भाई उसके अंदर क्या आंसर है। आपने एक बार आराम से उसे कंप्लीट तो कर दिया, आपको याद तो है, आपने दिमाग में रजिस्टर तो कर दिया, अब इसके बाद बुक बंद करके आपको क्या करना है कि उसका आंसर क्या मुझे पता है, ओके उसके अंदर क्या आ रहा है, ओके ये एक पॉइंट, ओके उसके अंदर ये डिटेल, ओके ये पॉइंट उसके अंदर ये डिटेल, ओके ये पॉइंट उसके अंदर ये पॉइंट। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको ये साफ साफ आपके दिमाग के मानस पटन पे ये दिखना चाहिए कि इसका आंसर मुझे पता है। एक टॉपिक हो गया, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक। इसी तरह जब नए सब्जेक्ट को आप लेने जा रहे हैं उससे पहले आपने जो भी पढ़ाई की एक बार दिमाग में रिविजन, रिविजुअलाइजेशन हो जाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप दिमाग में फिट कर दीजिए, जब आप कोई भी चीज को एक बार भी पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाती है, आपके दिमाग में वो एंट्री ले लेती है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज तरीके से होती है। अब इस अनऑर्गेनाइज आपका जो मटेरियल दिमाग में गया है उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको रिविजन करना है। आपने कभी कभार देखा होगा आप घर पे जब आते हैं तो आपकी कार की चाबी, आपकी बाइक की चाबी, आपका हॉलेट, आपकी हैंकी, जो रेगुलर जो चीज है, आपका मोबाइल का चार्जर, ये आप हर रोज एक ही जगह पे रखते हैं। जब भी आपको मोबाइल डिस्चार्ज होता है, आप मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं, तब आप वहीं पे जाते। जब आपको गाड़ी या कार की चाबी जब आपको चाहिए तब आप वहीं पे जाते हैं जहां पे आप हर वक्त चाबी रखते हैं। आपको हैंकी वॉलेट जब आपका चाहिए तब आप वहीं जाते हैं जहां पे आप हर रोज रखते हैं। ये आपकी ऑर्गेनाइज मेमोरी है, आपको पता है कि ये चीज यहीं पे है। इसी तरह जब आपने जो पढ़ाई किया वो आपके दिमाग में एक बार रजिस्टर हो गया लेकिन वो अनऑर्गेनाइज तरीके से है। जब आप अच्छी तरीके से उसको रिविजन करते हैं तब ये अनऑर्गेनाइज मटेरियल ऑर्गेनाइज मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी आपको इसको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको उसका आंसर क्विकली आ जाएगा। अब इस अनऑर्गेनाइज मटेरियल को ऑर्गेनाइज मटेरियल में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले रिविजन आपको कितनी बार करना है। आज आपने कोई भी अगर चीज पढ़ी है, आपने कभी कभार कोई वीडियो में भी देखा होगा, आपने गूगल पे भी या तो कोई भी स्पीकर के द्वारा आपने ये बात सुनी होगी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका पहला रिवीजन क्विक रिवीजन होना चाहिए। क्विक माने कि आपने जो पढ़ाई किया, आप पढ़ाई जैसे ही आपने कंप्लीट की, आज मानो कि आप बैठे 4 से 6, आपने 2 घंटा पढ़ाई किया तो 6 बजे जैसे ही आप पढ़ाई को छोड़ रहे उससे पहले आपने 2 घंटों में जितना भी पढ़ाई किया है उसका रिवीजन हो जाना कंपलसरी है। एक है रिवीजन, क्विक रिवीजन।
दूसरा रिवीजन, जब भी आप नेक्स्ट डे पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं सेम सब्जेक्ट या कोई अदर सब्जेक्ट को लेकर, तब आपको नया मटेरियल रजिस्टर करने से पहले जो कल आपने पढ़ाई की थी उसको एक बार फिर से रिविजन, रीरीडिंग नहीं, रिविजन करना जरूरी है। तीसरा और सबसे प्यारा रिवीजन, आपको हफ्ते में संडे मेजॉरिटी टॉपर्स बच्चे में जितने भी टॉपर्स को मिला हो, ये सभी टॉपर्स के अंदर ये की कॉमन क्वालिटी थी कि उसका जो स्केड्यूल था मेजॉरिटी, वो संडे के दिन कुछ नया चीज रजिस्टर करने से अच्छा है कि वो लोग पूरे वीक का रिविजन करते हैं। मतलब कि आपका जो थर्ड जो रिविजन है वो थर्ड रिविजन एवरी संडे, मतलब कि एवरी वीकेंड को हफ्ते में एक बार हो जाना चाहिए। एंड फोर्थ जो आपका रिविजन है वो रिविजन एवरी एंड ऑफ द मंथ, मतलब कि आप महीने के एंड में एक दिन आप ऐसा रख सकते हैं कि पूरे महीने में आपने जो पढ़ाई की है वो आप एक दिन में उसे रिवाइज कर ले। मतलब कि चार रिविजन जो आपके मेन हुए, पहला क्विक रिविजन, दूसरा नेक्स्ट डे जब आप नया पढ़ाई करने जा रहे उससे पहले, तीसरा जो रिविजन है एंड ऑफ द वीक, एंड फोर्थ जो रिवीजन है वो आपका होगा एंड ऑफ द मंथ। और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब बिफोर एग्जाम आपका लास्ट फुल एंड फाइनल रिवीजन होगा। मानो कि दो दिन बाद आपका कोई एग्जाम का पेपर है तो आज ये दो दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, वहां पे पढ़ाई करने का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेशाय नमः करते हैं, वो दो दिन में तो आपको रिवीजन करना है, यहां पे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप कोई भी चीज को पांच बार रिवीजन करते हैं तब वो आपकी अनऑर्गेनाइज्ड में से ऑर्गेनाइज मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड। और जब भी आपको एग्जाम में उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका क्विक आंसर मिलेगा, क्योंकि अभी आपका ये जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड में से ऑर्गेनाइज हो गया। इसी तरह अगर आप रिवीजन करते हैं और पांच बार अगर आप रिवीजन करते हैं, एक क्विक रिवीजन, एक दूसरे दिन, एक एंड ऑफ द वीक, एक एंड ऑफ द मंथ, एक बिफोर एग्जाम, तो आप कोई भी चीज को अनऑर्गेनाइज्ड में से ऑर्गेनाइज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और एग्जाम में आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप इस प्रकार से अगर रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट नई चीजों को पढ़ना है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने जो पढ़ाई की उसको रिवीजन करना है। आपका जो भी दिन का शेड्यूल होता है, अगर आप 8 घंटा पढ़ते, अगर आप 6 घंटा पढ़ते, अगर आप 3 घंटा पढ़ते, आपका टोटल जो मिनट या टोटल जो आवर्स का रीडिंग हो रहा है उनमें से 20-25% आपका टाइम रिवीजन के पीछे जाना चाहिए और बाकी का 70-75-80% टाइम आप नई चीजों को रजिस्टर करने में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह आप प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर सिस्टम के साथ रिवीजन करेंगे तो मुझे लगता है माय डियर फ्रेंड्स आप भी एग्जाम में बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे। और भी रिवीजन को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने मेरे एक पहले वीडियो को जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप आई बटन में जाके देख लीजिए कि टॉप 3 स्टडी टिप्स, और ऐसे बहुत सारी टिप्स है जिस टिप्स की वजह से आप रिवीजन को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी टिप्स को लेकर मैं हर वक्त आपके साथ में आता रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये वीडियो में अगर आपको प्राप्त हुआ हो और ये वीडियो में आपको कुछ डिटेल मिली हो, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। आपके अभी जो मन में जो प्रश्न चल रहे या ऐसे क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं हर कोई कमेंट आपकी पढ़ता हूं और कमेंट के ऊपर से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का प्रयास जरूर से करूंगा। और इसी तरह आप मुझे हर वक्त जो साथ सहकार देते इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।